फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एक लोगो को ट्रेस कर सकते हैं या उसे कैसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी ये किसी ने मेरे पास ईमेल की है, ये इमेज जिसमें एक गाड़ी की फ़ोटो दी गई है और इसे हमें बनाना है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। हालांकि इसको बनाने के कई तरीके हैं। एक तो हम बेजियर टूल से इसे एक एक करके ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे हम वैसे ही, लेकिन अब हम इसे किस तरह से इजीली कर पाएंगे और इसकी शेप जो है बेहतरीन आएगी, आज हम वो चीज़ें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोग क्या करते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसे ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। ट्रेस किया इसे और यहाँ पे फिर ये एक एक बॉक्स को हमने तैयार करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे करेंगे और हमें ये सारी बॉक्सेस लेनी पड़ेगी। जैसे हमने ये किया, बॉक्स इसमें कोई भी कलर फिल कर दिया, ये किया, फिर इसके बाद ये किया। तो इससे बेटर है एक तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आपके पास कभी भी कोई भी ऐसी फिगर या लोगो आती है तो आप कैसे करेंगे, आपको बेजियर टूल लेना है और इस गाड़ी की जो पूरी आउटलाइन है वो आपको ड्रॉ कर लेनी है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसे पूरा हम कर लेते हैं। जो भी आपका आउटर है पूरा, वो आपको लेना है इसमें। ये मैं जो कर्व है इसमें साथ साथ कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं, वो मैं जब अंदर की फिगर्स लूँगा तो आपको बताऊँगा। अभी मैंने इसे साथ साथ ले लिया है। आप माउस को थोड़ा सा टिल्ट करके आराम से इसे चलाएंगे तो आप भी ये एक साथ कर सकते हैं। नहीं हो रहा है आपसे तो आप फिर उसे सीधी स्ट्रेट लाइन्स भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं स्ट्रेट लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम, मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है, आप नए हैं बिल्कुल ही, तो आप सीधे डॉट्स लगाइए। जहाँ पे भी आपको कर्व देना है वहाँ पे आप इसे छोड़ दीजिए। जैसे अभी मैंने डॉट्स लगाए हैं, जहाँ पे भी कर्व है वहाँ पे आपको वो डॉट्स देने होंगे, जिससे आप बाद में उसे कर्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इसे साथ साथ ही कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत इसमें कमी रह जाएगी उसे हम बाद में भी देख सकते हैं। जैसे अब हमने इसकी जो आउटलाइन है वो येलो ले लिया, आप शायद देख पा रहे होंगे इसे। थोड़ी सी मैं इसे और ब्रॉड कर लेता हूँ। अब ये जो आउटलाइन आ गई है हमारे पास, हमें यहाँ से सुधार करना है थोड़ा सा। तो जहाँ पर भी कर्व करना है वहीं पर आपको एक डॉट लगानी है बीच में और आप कर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें साथ ही कर दी हैं, अगर आपको नहीं आती हैं तो आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। जो आपको लगती है कि डॉट एक्स्ट्रा लग गई है, आप उसे डिलीट कर दीजिए। डबल क्लिक भी करके आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसी पे क्लिक करके सीधा डिलीट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है कार का आउटर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी शेप हमने एक बारी ले ली है, हम एक बारी इसकी जो शेप है अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हम दोबारा से बेजियर टूल सेलेक्ट करेंगे और जो इसकी शेप्स हैं बनानी चालू कर देंगे। इसमें अब हमें जो है इसके आउटर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंदर की फिगर्स बनानी है। हमने आउटलाइन ली, ये बनाया और इसे जॉइन कर दिया। हमें बाहर का कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आउटलाइन मैं दूसरे कलर की करता हूँ, आप देख पाएंगे। यहाँ पे हमने इसे डॉट लगाई, कर्व किया। कर्व करने पे आप इसे शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप शेप नहीं दे पाएंगे। अगर कर्व नहीं है तो स्ट्रेट
वो रहेगी लाइन और आप उसे कर्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ को तो आप तुरंत वहीं की वहीं भी कर सकते हैं। हल्का फुल्का अगर कुछ रह जाता है तो आप वो बाद में भी नोट्स से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये सारे जो हैं इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। मैं ये जो फाइल है जो आई है मेरे पास, मैं ये इसकी जेपीजी फाइल भी इसमें अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं, इसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी एरिया आपको कवर करना है वो उस कलर को कवर करना चाहिए। जैसे अभी इसमें ये जो है इसका मिरर बाहर जा रहा है तो इसलिए हमने ये बाहर तक लिया, जिससे बाद में जब हम इसको कलर फिल करेंगे तो ये हमारे पास उस चीज़ को कवर करना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये तीन चार बनाए, इसमें हमने कर्व साथ साथ ही कर लिया। अब मैं कुछ आपको बिना उसके ही बताता हूँ कि आप अगर नहीं जानते तो आप सीधा यूं कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन तक आप पूरी एक लाइन खींच सकते हैं, फिर दोबारा यहाँ तक लीजिए और फिर यहाँ तक, जो ये स्ट्रेट पार्ट है दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे शेप टूल पे, सिंगल डॉट लगाएंगे इधर और इसे कर्व कर देंगे। यहाँ से कर्व करने पे आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम ये है इसे यहाँ तक ले जाएंगे, जो स्ट्रेट लाइन है काफ़ी, जहाँ तक भी ज़्यादा से ज़्यादा जा सके आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ लगाएंगे, फिर ये यहाँ लगाएंगे, इसे भी क्लोज कर देंगे। आप सभी चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो आप वन बाय वन कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। और फिर दोबारा इन्हें शेप टूल पे जाके आप इन्हें कर्व कर लीजिए। कन्वर्ट टू कर्व करना होगा आपको, अगर आप कन्वर्ट टू कर्व नहीं करेंगे तो वो लाइन आपकी नहीं कर्व होगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बिना उसके कन्वर्ट टू कर्व करना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। दोबारा एक सिर्फ सिंगल आपको क्लिक करना है, उसके बाद एक सिंगल डॉट आएगी, आपको कर्व कर देना है। कर्व करने के बाद आप शेप ले सकते हैं। अगर आप ये नोड सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको ये दो एरोज यहाँ पे नज़र आएंगे, आप इनसे भी इसे सेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम इसे करेंगे और यहाँ पे अगर आप दिल्ली में ही हैं तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो मैं पर्सनल क्लासेस भी देता हूँ संडे को। अगर आप चाहें तो ईमेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल मेरा मेंशन है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब हम इसे और कर लेते हैं, दोबारा से वही बेजियर टूल लेंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो कवर है ये पूरा होना चाहिए, इसका मिरर वगैरह, और हमने इसकी आउटलाइन बना ली है और ये इसे आउटर लेकर हम क्लोज कर देंगे। आपको सभी ऑब्जेक्ट्स क्लोज करने ज़रूरी हैं, नहीं तो आप फिर उसमें कलर फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको राइट में एक डॉट लगानी है बीच में, और ये कर्व हो गया है ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि कुछ माउस हिल गया होगा। ये आप देख रहे हैं, कभी भी अगर ऐसे आपकी नोड चली जाए और ये ख़राब होने लगे तो आपको ये स्मूद हो गई है नोड, इसको कस्ट करना होता है, जिससे हम दोनों नोट्स पे अलग अलग काम कर सकें। आपको यहाँ ये जो आइकन देख रहे हैं, मे के नोड कस्प को कर सकते हैं, इसे यहाँ से कस्प नोड हो जाती है। अब आप एक ही हिलाएंगे तो एक ही हिल पाएगा, आप जैसे ये हिल रहा है, और यहाँ से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ये परेशानी पेश आ रही है तो आप इसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। और ये जो है हमने कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, इस पूरी गाड़ी का आउटर है और ये जो है सारी चीज़ें आ गई हैं। अब अगर हम इस इमेज को हटा देते हैं तो हमारे पास जो मेन फिगर बनी है वो ये है। इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो पिकर टूल है, यहाँ से ये जो पिकर टूल है, आईड्रोपर टूल, इससे आप ले सकते हैं। जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे वो आप फिल कर सकते हैं इधर। ऐसे ही आपको सारे कलर्स जो है यहाँ से पिक कर लेने हैं।
आप स्पेस बार दबाएंगे तो वो दोबारा एरो चला जाता है, दोबारा स्पेस बार दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसे सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ही आप पिकर टूल से इस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है फिल टूल में, और जिस भी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे वो फिर फिल होती जाएगी। ऐसे ही आपको ये जो है सारे कलर्स फिल कर लेने हैं। अब ये हमने सारे कलर्स फिल कर लिए हैं, और अब क्या करेंगे, इन सभी को पकड़ लेंगे, यूं पूरे माउस को आप ड्रैग करके पकड़ लेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो नीचे वाली जो कार की आउटलाइन है ये सेलेक्ट नहीं करनी है, पर फिलहाल जो है ये भी सेलेक्ट हो गई है, तो हम इसे शिफ्ट दबा के दोबारा से इस आउटलाइन पर क्लिक करेंगे जिससे ये डी सेलेक्ट हो जाए। अभी आउटलाइन छूट गई है। एक तो सबसे पहले अब हमें इन सब की जो आउटलाइंस है उन्हें नील करना है। क्रॉस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और अब इसी पे राइट क्लिक करके आप इसे पावर क्लिप कर सकते हैं, पावर क्लिप इनसाइड। अब ये आ गया ऊपर ही ऑप्शन, राइट क्लिक करते ही जैसे यहाँ क्लिक किया तो ये एरो बन जाता है, और जिस भी ऑब्जेक्ट में आप वो डालना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो अंदर चली जाएगी। ये हमारे पास जो है फिगर आ गई है, और अब हमारे पास ये जो आउटर है इसका ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसे भी हम क्रॉस पे ऊपर नीचे कहीं पे भी आप पे राइट क्लिक करेंगे, क्रॉस पे जाके हमारे पास ये जो गाड़ी है ये तैयार हो गई है। अब देखिए मैं इसमें आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने पहले ही क्यों नहीं किया कि हमने इसे पावर क्लिप क्यों किया। पावर क्लिप करने से हमें काफ़ी फायदा हुआ। एक तो हमें सभी की शेप जो है बार बार नहीं बनानी पड़ी। दूसरा, जब आप इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे निकल रही हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बार बार ऊपर नीचे जाती और जो हमारी जो डिस्टर्ब करती गाड़ी की शेप को, तो वो सब चीज़ें ना हो खराब, इसलिए हमने पहले उसका आउटर बनाया और उसके बाद फिर अंदर की जो सारी चीज़ें बना के उसे अंदर पावर क्लिप कर दिया, और हमारे पास फिर जो गाड़ी की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला लोगो हमने कैसे बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप इसी तरह की और भी वीडियोस देख पाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये जो इमेज है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है। मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।